हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सबियास फ्लेवर्स। चलिए आज हम बनाते हैं पनीर मसाला। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बन जाती है। और आप लोग जो भी देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। पहले देखते हैं रेसिपी की तरफ। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है पनीर क्यूब्स इस तरह से, और मैं इसमें डालूंगी नमक, ठीक है, हल्का सा, जस्ट 2 पिंच आप डालिए। और इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर जस्ट 2 पिंच आप डालिए, और यहाँ जाएगा धनिया पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून, ठीक है। और थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए। ऑयल डालकर इसको आप अच्छे से मिक्स करके आप इसको मैरिनेट कर लीजिए। ओके, ये हो गया हमारा पनीर मैरिनेट। इसके बाद हम इसकी ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं। चलिए, ग्रेवी के लिए मैं यहाँ डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। इसके बाद जाएगा 1 बे लीफ, और यहाँ जाएगा 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा, और बस 2 क्लव्स लौंग, और आएगा लाइक 3 to 4 कार्डमम इलायची, ठीक है। ये चला गया जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड्स। इसके बाद आपने डालना है यहाँ पर 3 मीडियम साइज ऑफ चॉप्ड अनियन। ये बहुत बारीक चॉप किया हुआ है, ये आप चॉपर में चॉप कर लीजिए। सॉटे करिए अच्छे से। आप इसको सॉटे करना है जब तक इसका कलर एकदम से चेंज ना हो जाए, लाइक लाइट पिंकिश होने लगे, तब आपको स्टॉप करना है। मीडियम फ्लेम पर आप सॉटे करते रहिए। यहाँ देखिए हमारे अनियंस, ये ऑलमोस्ट कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, लाइट पिंकिश हो गए हैं। अब हम डालते हैं 2 मीडियम साइज ऑफ टोमेटो, ये भी चॉप करा हुआ है। अब यहाँ इस स्टेज पे आप 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल दीजिए, ताकि हमारे जो टमाटर है एकदम सॉफ्ट एंड मैशी हो जाए बहुत इजीली। अब आप कवर करके फॉर 5 मिनट्स आप इसको अच्छे से कुक करिए, ताकि हमारे टमाटर और प्याज दोनों अच्छे से मैश हो जाए। और जब तक हमारा ग्रेवी बन रहा है, तब तक हम यहाँ पर हमारी ये जो पनीर है इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ डालूंगी ऑयल। अब हम इसको फ्लिप करते हैं ताकि इवेंटली ये चारों तरफ अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ हमारा पनीर ये रेडी हो चुका है, इसको हम साइड में रखते हैं। हमारे ग्रेवी में डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर, और 1/2 टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब यहाँ अच्छे से मिक्स करिए। अब यहाँ डालिए 1 कप ऑफ वाटर, मिक्स करिए। अब इसको आप मीडियम फ्लेम पर आप इसको छोड़ दीजिए फॉर 5 to 7 मिनट्स। चलिए, ये हमारा एकदम से सब मसाले, सारा ग्रेवी एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं जो हमारे पनीर जो हमने फ्राई किया था, वो सारा कुछ इसमें आपने डालना है। अच्छे से मिक्स करिए, और यहाँ लास्ट में आपने डालना है कसूरी मेथी क्रश करके, और अच्छे से मिक्स करिए। और बस आप लो फ्लेम पर 5 मिनट रखिए, उसके बाद हमारा पनीर मसाला रेडी हो गया है। ओके, ये देखिए, ये बन गया हमारा पनीर मसाला। और लास्ट में हम स्प्रिंकल करते हैं हमारे धनिया लीव्स के साथ, और ये रेडी हो गया। और मैं आप लोग को सर्व करके अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ अपना पनीर मसाला सर्व कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही यमी है ये पनीर मसाला। आप रोटी, नान और राइस, पुलाव सब के साथ आप इस
खा सकते हैं, बहुत ही यमी है। अगर आप इसको थोड़ा सा रिच बनाना चाह रहे हैं तो आप लास्ट में 2 क्यूब ऑफ बटर आप डाल सकते हैं, या तो फिर आप 1 टीस्पून ऑफ टेबल स्पून ऑफ क्रीम डाल सकते हैं अगर आप बहुत रिच बनाना चाह रहे हैं तो। बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग भी ट्राई करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करिए। और आप लोग बताइए कि मैं नेक्स्ट रेसिपी कौन सी लेकर आएँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।